प्रॉपर्टी विवाद पर शहपुरा में चली गोलियां, चाचा ने अपने ही भतीजे पर की फायरिंग, दो घायल। जबलपुर के शहपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मगर मुहा में संपत्ति विवाद को लेकर चाचा ने अपने ही भतीजे पर बंदूक से फायरिंग कर दी, जहां फायरिंग में अनूप परिहार और आशीष परिहार नाम के दो युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है, जहां मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने बताया कि शहपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम मगरमुहा राघवेंद्र सिंह परिहार का अपने ही परिवार से संपत्ति विवाद चल रहा था, जहां देर रात राघवेंद्र सिंह परिहार ने अपने दो भतीजों आशीष और अनूप परिहार पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल आशीष और अनूप को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी राघवेंद्र सिंह परिहार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं फायरिंग में घायल अनूप सिंह परिहार ने बताया कि उसके चाचा राघवेंद्र सिंह परिहार और बड़े पापा के लड़के शिवम और राजमणि सिंह के द्वारा पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जहाँ शिवम और राजमणि ने उसे और उसके भाई आशीष को पकड़ रखा और चाचा राघवेंद्र ने फायरिंग कर दी, जहां कई वर्षों से दोनों पक्षों में संपत्ति का विवाद चल रहा है, जिसको लेकर पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मेरे चाचा ने फायरिंग की और मेरे बड़े पापा के जो लड़के हैं राजमणि सिंह, उन्होंने मुझे बहुत जोरों से पकड़ लिया, मेरी जैकेट फाड़ दी, और उनका लड़का शिवम सिंह परिहार वो भी मुझको पकड़ा था और दोनों बोल रहे थे चाचा से कि इसको जान से मार दो, जान से मार दो। मैंने उनके हाथ में कट्टा देख लिया, वो अपने जान सा नहीं छोटा था, वो कट्टा था जो भी था, तो वो निशाना मिला रहे थे। मैंने छूटने की बहुत कोशिश की, पर वे दो लोग थे, शिवम सिंह परिहार और राजमणि सिंह परिहार, छूटने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं छूट नहीं पाया। ये पूरी घटना कहाँ की है? ये मगरमोह पेपरा बटोरी। वजह क्या थी मामले की? वजह ये थी कि मेरे जो चाचा हैं, मेरा पैतृक मकान है, तो वो अब 50 साल पहले भट गया है, अब वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि मेरे को आधा दो आधा दो। तो हम लोगों ने उनसे बोला, चाचा ऐसा मत करो, थोड़ा बहुत ले लो, एक दो फुट ले लो, लेकिन हम लोगों को थोड़ा निकलने के लिए जगह दो। लेकिन वो नहीं मान रहे थे कि नहीं, हम लोग को तो पूरा चाहिए, आधा चाहिए आधा चाहिए। तो मैंने बोला, जब इतने सालों से 50 से ऐसा चल रहा था, चलने दो। वो नहीं माने और गाली उन्होंने चलने लगी। एक बार इसके पहले भी वो और हादसा कर चुके हैं, मेरी माता को उन्होंने बहुत मारा है, फिर मैं मारा था उनको अंगूठी। आज कितने लोग घायल हैं आप लोग, और किन किन ने मारा आपने? मेरे को राजमणि सिंह ने और उनका लड़का शिवम सिंह परिहार और मेरे चाचा राघवेंद्र सिंह, उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, उनके हाथ में छोटा सा कट्टे या जो भी था वो चलाया उनने। मैंने किसको ये गोली लगी है? मेरे सबसे पहले मेरे भाई को गोली मारी, फिर मेरे को मारी। आपके भाई का नाम क्या है? उसके दो नाम अनुग्रह आशीष सिंह परिहार, अनुग्रह। और आपका नाम? अनूप सिंह परिहार। हाँ, शाहपुरा थाना अंतर्गत मगर मुहा करके एक गाँव, जहाँ के राघवेंद्र सिंह परिहार जो व्यक्ति हैं, उनका जमीनी विवाद चल रहा था अपने रिश्तेदारों के साथ में, और उन्होंने प्रॉपर्टी इशूज को लेकर गुस्से में आकर गोली चला दी। तो उन्हीं के दोनों भतीजे हैं, एक आशीष है और एक और जो है बच्चा, उसका नाम अनूप परिहार है। उन्हें गोलियां लगी, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और भी जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आरोपी क्योंकि वहां पर उसे राउंड अप तो कर लिया था, उसके अरेस्ट की स्थिति इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर है।